हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति पाटिल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टम्मी टिकलर्स में। आज मैं आपके साथ रवा कचौरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने कचौरी मैदा गेहूँ के आटे से बनाई कचौरी खाई होगी, तो आज हम सूजी से कचौरी बनाएंगे। तो वो कैसे, इसके लिए आपको अंत तक रेसिपी देखनी होगी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे आपको मेरे अपकमिंग न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम रेसिपी बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेंगे। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है अब हम देखते हैं। पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब तेल डाला है। तेल गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें डाला है जीरा और राई, और साथ में मैंने डाला है हरी मिर्च का पेस्ट। आप यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट कम आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने डाला है हल्दी पाउडर और गरम मसाला, उसको मैंने 1-2 सेकंड के लिए भून लिया है। और अब हम डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू। आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसको मैंने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके रखा था। यहाँ पर मैंने डाला है अब आमचूर पाउडर, नमक और बारीक कटा हुआ धनिया। आप आमचूर पाउडर के जगह पर नींबू का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम रवा का आटा गूंद लेंगे। कढ़ाई में 1 कप पानी, 1 टीस्पून के करीब अजवाइन, 1/2 टीस्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून के करीब तेल डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और पानी को हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। यहाँ पर आप कोई भी रवा ले सकते हैं। अगर आपके पास मोटा रवा है तो आप यहाँ पर रवे को मिक्सर जार में थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए घुमा लेंगे और उसको आप बारीक पाउडर बना सकते हैं। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके रवा डालेंगे। ध्यान रखें हमें इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और इसे हम एक ढक्कन रखकर 1-2 सेकंड के लिए पका लेंगे और फिर हम गैस बंद करके इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। रवा के आटे को हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म में ही इसको अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। अब हम कचौरी बना लेंगे। उसके लिए हाथों में थोड़ा सा तेल लेके हम इसका छोटा सा बॉल लेंगे और उसको हम पूरी का शेप दे देंगे। पूरी का शेप देने के बाद हम इसके अंदर आलू की स्टफिंग करके उसे हम अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर हमें कचौरी अच्छे से पैक करना है, वरना फ्राई करते वक्त हमारी कचौरी टूट सकती है। तो हमें इसे अच्छी तरह से पैक करके इसी तरह हम सारे कचौरी बना लेंगे। यहाँ पर हमारे सारी कचौरी बनकर रेडी है। अब हम एक एक करके उसे डीप फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पहले ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो हमारा तेल अब गरम हो चुका है। तो अब हम एक एक करके कचौरी डालकर इसे दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। कचौरी को हमें धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। इसी तरह हम सारी कचौरी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कचौरी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो लीजिए, यम्मी और टेस्टी रवा कचौरी तैयार है। ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर से मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।